सिरसा में शिक्षा विभाग ने एक निजी स्कूल में छापेमारी कर स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए हैं और बताया जा रहा है कि स्कूल प्राइमरी क्लास तक का है, जबकि यहां बिना मान्यता के ही नौवीं क्लास के बच्चों का एडमिशन चल रहा था। सिरसा में बिना मान्यता के स्कूल चलाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग ने रानिया के सेंट जेवियर स्कूल में छापेमारी की। यहां तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से नौवीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। विभाग ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। गुरुकुल स्कूल में जो परमिशन है उनकी रिकॉग्निशन है वो आठवीं तक है जी। लेकिन वहाँ नौवीं के बच्चे भी कुछ बैठे मिले हैं, उनको मैं शोका नोटिस दे रहा हूँ और उनको वार्निंग दे दी है, शोका नोटिस दे दिया है, आज ही दे देंगे। अगर वो शोका नोटिस का सही जवाब देंगे और कल से वो क्लास नहीं लगेगी तो ठीक है, अदरवाइज उन पे एक्शन लूंगा मैं, उनका एनओसी विड्रॉ कर लूंगा। अभी अंदर मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि एक तो आप अपने स्कूल का जो आपके पास रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास जमा करवाएं अभी हाल ही में, अन्यथा जमा ना करवाने की सूरत में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। वहीं इस बाबत जब जी मीडिया की टीम ने स्कूल प्रबंधन से बात की तो वो गलती से इनकार करते हुए अपना पल्ला झाड़ने लगे। हरियाणा शिक्षा विभाग को काफी समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि सूबे में कई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास या तो मान्यता नहीं है या फिर प्राइमरी की जगह हायर एजुकेशन के तहत संचालित हो रहे हैं। इस पर विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा।